खबर यूपी के चंदौली जिले से, जहां ईंट भट्टे के मुंशी की संदिग्ध परिस्थितियों में सिर कूंचकर हत्या का मामला प्रकाश में आया। घटना सोमवार की देर रात की बताई जा रही। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मामला जनपद के बलुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत सेमईपुरा गाँव स्थित भट्टे का है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सूर्य यादव नामक व्यक्ति रोजमर्रा की तरह भट्टे में सो रहा था। इस दौरान अज्ञात हमलावरों ने ईंट से सिर पर कई बार वार किया और उसकी हत्या कर फरार हो गए। घटना की जानकारी तब हुई जब उनका बेटा सुबह भट्टे पर गया। उसे पिता सूर्य यादव मृत अवस्था में पड़ा मिला और मौत की खबर सुनकर मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर जायजा लिया और मृतक के परिजनों ने हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की। मामले में पुलिस ने बताया कि हत्या ईंट से की गई है। मुकदमा दर्ज कर टीम बनाकर मामले की जांच की जा रही है। परिजनों द्वारा तहरीर ले ली गई है, मुकदमा पंजीकृत हो रहा है और इनकी डेडबॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। हम अपनी टीम लगाकर जो भी इस घटना में शामिल होंगे अपराधी, उनकी तलाश करेंगे और जल्दी से जल्दी पर्दाफाश करके अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई। संवाददाता राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट।